ठाकुर साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ साहब, गलनावारे की बहुत बड़ी कृपा है और कहीं भी नाम ले दो, एक हमारे सारे गिरे थे बुलेट से, उनके चोट जहाँ गंभीर आ गई थी, रोड पर गिरे थे, तो बब्बा की बहुत फेंकवाई मैंने, मैं भोपाल रहूंगा अस्पताल में भर्ती थे वे जी। तो जहाँ से गुरु महाराज ने बहुत कही महाराज मैंने कही बच जाए, मैंने कही स्थिति गंभीर है, जहाँ 21 दिन हम बोले बढ़िया होगा, 16 ना बढ़िया चल फिर रहे हैं गल्ला बारे की ऐसी मेहमान। और पहले गुरु महाराज ने जे कही पहले गल्ला फैलाना फरावे, तुमने जहाँ पहले नंबर घर नहीं लगा। एक और आपको बात बताऊं, गड्ढा पहले नंबर से प्रारंभ हुई थी असाल में, मतलब वो पुरुषोत्तम महीना पड़ो तो उसी टाइम जो है एक अन्नु दुकानदार है चौराहे पे राधे बनिया वगैरह थे भैया, उनको भगवान ने एम अंग्रेज क्या हो गया था तो इनको इंदौर ले गए थे एक महीना तक जाने, 20 लाख जान कितने लाख लगाए गुरु जी यहाँ से नित नहीं बबूत फेंकते के चिंता मत करे, नित नहीं बबूत फेंकते एक महीना में मतलब जो है सिर को सेमरीज होके इंदौर से बोल के वो आ गए। ये चमत्कार है, ये अपने आप में चमत्कार है जी। दो दिन के गांव में जी, तो हाँ ये अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण है ये लोग कि यहाँ से भभूत वो उड़ाते थे और हाँ जहाँ मरीज भर्ती होता था वहाँ उसको ये। मनोज जी वाकई में ये सिद्धियाँ हैं आज अपने सनातन धर्म की, ये सबसे बड़ी ताकत है कहीं ना कहीं, इसको क्या मानेंगे आप? अपना भारत देश शुरू से ही आध्यात्मिक और चमत्कारिक रहा है, ईश्वर की विशेष कृपा से ये ऐसे व्यवस्थाएं होती है जनमानस के, जिससे कष्ट कटे, कैंसर जैसे रोग ठीक हो रहे हैं। महाराज जी ये भगवती महाराज के दोनों पैर रह गए थे, बिल्कुल इन्होंने बताया कि पैर सही हो गए, ये चमत्कार है और ये बहुत ही मतलब चमत्कारिक स्थल है और लोगों को वहाँ वाकई लाभ हो रहा है। आप जनता से अपील करो कि सारे लोग यहाँ पे आके देखें और उनका अनुभव करें, भगवती में जो बीमार हैं दुखी हैं वो यहाँ पर आए। ये गरला आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, गरला ये मैना के पास में एक गांव है गरला करके, यहाँ ही मंदिर बना हुआ है उनका, आप किसी से ही पूछ लो कोई भी ले आएगा, आप आ सकते हो यहाँ पर आके, अपनी भूत की एक दवाई है जो ले सकते हो, आपको लाभ होगा जरूर। मतलब ऐसी असाध्य बीमारियाँ ठीक हो रही है जो मतलब बहुत ही आदमी परेशान हो जाता है आज के समय में, आप देखिए कि बीमार होना मतलब बहुत ही कष्टप्रद है आज। हाँ आज जैसे जो है मतलब आज सूखा सी पड़ रही है, मतलब ऐसे टाइम धुआंसरा रहे थे पहले गुरु महाराज पे गुरु जी, तो सब लोग चाहना कर रहे हैं गुरु पानी बरसा दो नहीं तो सूखी जाता है, गुरु पानी बरसा दो। अब ज्यादा वो आते पड़ गए उनके तो बरबन ने कही ठीक है कही, शाम को वहाँ रखे आए थे गुरु महाराजन पे गेला। मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने भी इतने ही लोग उधर बैठे हुए हैं कैमरे के पीछे और वे भी अपनी अपनी बात वहां से कह रहे हैं, तो मैं उनसे भी बाद में आपको रूबरू कराऊंगा और उनकी बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल आप इन लोगों की जो बात है उसको सुनिए गौर से और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो गुरु महाराज वहाँ जो एक कलश गुरु महाराज के आगे रखे आए और गाँव में जी आ गए, गाँव में आते ही उनने बस थोड़े थोड़े जल से पानी पड़ो, सुबह पहले लाइट वगैरह थी नहीं मतलब अंधेरा थे। कछु तो अगर ने कही तू डेढ़ सौ कर कछु है का गई पीवा वीवा हम कछु आठ गई हाँ है, तो कही तू रोटी बना कही रोटी बना, तो गुरुजी ने कही मैं बनाई और बन गई कपड़न में सो गए और रात जब पानी पड़ो गुरु महाराज 2 दिन हो गए। अब गांव की दिक्कत बने कहाँ गए महाराज कहाँ गए महाराज, अब पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो ज्ञान, यही संतों की खासियत होती है और ऐसी। हाँ जी गुरु जी के पास सब पहुँचेगा, गुरु जी का कहना अब तो गई बंद करवा दो अब तो बहुत होगा गई पानी, तो गुरु जी ने कही है वही पहुंचे गुरु जी, गुरु महाराज से आग्रह करी वे अपने ऊपर कभी नहीं लिया उन्होंने।
अपने ऊपर आप आइए और अपने आप अपने अपने ऊपर गुरुजी ने कभी बबूत नहीं दी कि मैं हूँ, मैं नहीं, वो जाने जी और काम जान दे, जो भी हो रहा है वो तेरे हिस्से के हो रहा है, अपन कुछ नहीं। दादा आप आगे आओ थोड़े, आप आगे आ जाइए। हाँ आप बताइए आपके क्या अनुभव है। हमने तो अच्छी ये सोच है हमारे, यहाँ तो जहाँ हमारे मन में तो बहुत अच्छी सोच है। हमने पहले ही महाराज सोने से हो ही गया। हाँ जी भाई आत्मविश्वास था जी, आत्मविश्वास है जिसकी आत्मा में कि हाँ मेरा काम गुरु है तो मेरे करेंगे, तो हमारे तो हो रहा गुरु, हमने तो आज तक जो है निराशा होकर कोई आज निराशा नहीं। आप कितने साल से यहाँ से जुड़े? जन्म यहीं के ही है, सब यहीं के ही है। आप घर से ही बबूत दे रहे हैं इनके नाम से तो भी काम तो भी काम किसी को भी दे देना उठा कर, इंदौर हो कहीं भी हो वहीं होना चाहिए। काम हो जाएगा बाबा, काम होने बाप बुला कर आवे की जरूरत नहीं, तुम भी खुद ही बुला लेंगे। तुम आओ आओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वो जाने और तुम जानो। हाँ तुम पैसा 10,000 चढ़ाओ, एक रुपया चढ़ाओ, कोई ये बात भी जरूरी थी ना, निस्वार से कम निस्वार सारा सब कुछ निस्वार, अगरबत्ती एक अगरबत्ती में काम हो जाता है, श्रद्धा मन में आता है। आज दिन तक नहीं भाव ऐसो कि तुम 5 रुपया दो का 5 लाख दो, कभी नहीं। बाबा की ऐसी कृपा, तुम नहीं चढ़ा दिया वहीं चढ़ा देना। अच्छा जहाँ ठीक हो जाए वहीं प्रसाद चढ़ा देना, उनके नाम का पूरे मंत्री जिन मंत्री ने सब ने पैसे दे दे, सब ना गिरत बे कौन उठ के जाते हैं मंत्री के पास, फटे फटाए कपड़े वाले दिलीप गलगारे से सेंट जाते हैं। हाँ 2,50,000 रुपए मंत्री जी दे गए थे इस मंदिर में। किसने? मंत्री संजीव भैया। अच्छा और आप केएल अग्रवाल ने जो धर्मशाला बनवाई, ये जब केएल अग्रवाल मंत्री थे ये धर्मशाला बनवाई, अभी जब वर्तमान में मंदिर में 2,50,000 रुपए दे, 2,50,000 रुपए उन्होंने मंत्री जी ने, मतलब जो भी ये बड़े मंत्री संतरी साहब है सब आज ये बड़े मंत्री, ये बड़े मंत्री हैं यहाँ सब राजनेता बड़े बड़े आते हैं। अच्छा ये खड़ंजा, ये खड़ंजा जो है जब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस खड़ंजे का निर्माण करवाया था, अपनी निधि से करवाया होगा निश्चित रूप से। हाँ आस्था का केंद्र है, इससे ये सारी बातें जो हुई हैं इनसे पता चलता है कि एक आस्था का केंद्र है और सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। एक जो खास बात अपनी थी कि आप कुछ इस स्थान के इतिहास के बारे में बताना चाह रहे थे, यहाँ पर आप कह रहे थे कोई सोनी समाज के लोग थे, उनके अवशेष हैं उनके मकानों के, वो और जरा सा खुलासा कर दीजिए भाई। सोनी वगैरह जहाँ थे हाथी जहाँ में मतलब गड़ला में हाथी भी बिक गए उस टाइम पे, उस टाइम की बात है। अच्छा जब बाजार लगा तो मतलब आठ दिन में जाने के मतलब एक साल में जो पता नहीं है, मतलब जब एक मेला भर जहाँ पे उसमें हाथी बिक गए बाजार में। हाँ। और जब सोने ने घाटो लगो, जब एक पैसा के घाटे से सोनी यहाँ से निकल गए थे। हाँ। क्योंकि अब एक पैसा वो तो स्टेट का जीते है अब है ही नहीं है, तो जहाँ से खाली करके स्टेट चले गए जी, गुना में पहुंच गए, शिवपुरी भी है, अशोक नगर भी है, जो यहीं से सोनी भगे है जो परिवार हो गया मतलब उनका। तो अभी यहाँ पर क्या अवशेष क्या मौजूद है पहाड़ी पर? पहाड़ी के नीचे जो बड़ी है वहाँ जो भट्टी अपन लगाते हैं ना वो सोनार लोग, तो वो कोला तो हो जाते पत्थर तो बन के जी, वो आज नमूना है क्योंकि पहले भट्टी चलती, ये तो आज चल रहे हैं। हाँ ये प्रमाण है, ये सबूत है उस युग के उस काल के जब यहाँ पर स्वर्णकार समाज के लोग अपना कारोबार करते थे, सोने चांदी को पिघलाने के लिए जो भट्टियाँ यहाँ पर उन्होंने बनाई हुई थी उनके आज भी यहाँ पर अवशेष देखे जाते हैं। हाँ किसान है जी, तो ये है एक आपको जी और अबे ज्यादा दिन की बात नहीं है, मतलब दो एक पीढ़ी की बात बताते हैं, पिताजी वगैरह की पिछली मतलब 100-150 साल की वर्ष मान लो आप, तो जो बताते हैं वो कि गरीब की कन्या की शादी अटक गई थी, तो कन्या की शादी अटक गई, अब वो नाराज हो गए बिल्कुल, के पास है भी कुछ नहीं जी, अब वो आशा लगा के मतलब शाम को आओ के डाकुर बाबा मेरी व्यवस्था भंग हो गई, अब तो तुम ही हो जो लाज राख दे, तो
तो मैं उनसे आग्रह करके कि मोहित एक रुपया दे दे और मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, पर वो मतलब मन नहीं मानो। दूसरे दिन सवेरे आओ तो आए थे एक रुपया जहाँ मिले उसको, माना शादी करी और प्रिंट कर गो तो कि मैं फसल पे दे रहा हूँ। अब फसल पे आज जैसे समय भीतर दिखाओ, अब्बा के पास कुछ ना रही तो वो गदा और चका इमली पे रख गो और गदा जहाँ बांध गो के जो पट गए बाडन से देन लेन खत्म हो गया। कितना विश्वास हो गया भैया, आज तू गधा बांध रहा कल कौन कछु बांध है वो, मैं कहाँ जी लाऊंगा बंद कर रहा हूँ। जो तो पीढ़ी ये भी अद्भुत कहानी है, बहुत ही रोचक भी है। और आप इसमें आस्था ऐसे गुरु की तपस्या करिए, हाँ पर हित सर इस धर्म नहीं दूजा, वो पर हित में ही चले गए, उनने अपने हित का कोई नहीं देखा, शरीर तक नहीं देखा उन्होंने भाई। आज तक जो है एक नुंगैया घी की नहीं लगाई उन्होंने। और जब भंडार में भागवत चलती एक महीना, अब जो कब भोजन करते कि जब चिड़ैया भी सो जाए मतलब आश्रम में, कोई बाकी न रहे, कुत्ता बिलैया पशु पक्षी कोई भी भोजन से व्यतीत न हो। आप के बाद भोजन ग्रहण, आप मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पर ये जो मढ़िया है, ये जो स्थान है बाबा का, यहाँ पर ये कुछ पत्थर के बने हुए घोड़े, घोड़ों की मूर्तियां रखी हुई हैं, और कुछ यहाँ पर ये कपड़े के या दूसरे तरह के पपेट बने हुए रखे हैं घोड़े के जी। हाँ, इसका क्या महत्व है आप ये मुझे बताइए, ये यहाँ पर क्यों रखे गए हैं, ये घोड़े क्यों बनाकर यहाँ पर रखे गए हैं? भाई पहले पैदल तो बड़े लोग चलते नहीं है, ठीक है, और साधन तो घोड़े के अलावा उनके पास और कुछ था ही नहीं भाई। जो भी सूरवीर है पहले राजन ने करी है तो घोड़े से लड़ाई हुई है, तो घोड़े ही थे उनके पास, तो घोड़े की भाई से जो है मतलब घोड़े उन्हें मतलब भाई में देहांत हुआ ना घोड़े के ऊपर से ही, तो बाकी हिसाब से जो है पोजीशन आज बनाई के प्रमाण साक्षी करा है। क्योंकि तलवार भी आ रहा हूँ मैं, आप प्राचीन में तो जमींदार रहते पहले के जी, हाँ तो वे तो मिलिट्री भी रहती है, सादा ड्रेस वाली है, तो फौज भी रखते सब व्यवस्था, हाँ राजा महाराजन के सिस्टम चला जी। तो ये घोड़े यहाँ चढ़ाने का क्या वो है? ऐसा ऐसा घोड़े को जैसे आपने कुछ कोई कार्य बोलता बाबा मैं घोड़ा दो चढ़ा जाऊंगा या चार चढ़ा जाऊंगा, तो कार्य हो जाता है चढ़ा जा मतलब कपड़े के हाँ, तो यानी मन्नत मांगते हैं उसमें ये बोलते हैं कि हम यहाँ पर घोड़े चढ़ा के जाएंगे बाबा, हमारा काम पूरा हो जाए, पूरा हो जाता है उसके बाद पर यहाँ पर बाबा को घोड़ा अर्पण करके जाते हैं श्रद्धालु, ये इस इसके है ना जी, इसका तात्पर्य। तो ये एक अद्भुत स्थान आपने यहाँ पर देखा, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से, अभी मैंने सिर्फ ये यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनसे मैंने आपको बताया कि क्या स्थान का महत्व है, किस तरह की यहाँ पर मान्यता होती है, किस तरह से पूरी होती है। अब आप इस स्थान को देख सकती हैं मेरे साथ में कि ये ही वो स्थान है जहाँ पर ये ठाकुर बाबा विराजमान हैं, और मैं जिस घोड़ों की बात कर रहा था वो घोड़े भी आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं अपने डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह से कहूँगा कि वे इस को थोड़े से और जूम करके और अपने कैमरामैन से बोलें कि ये जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो छवि दिखाई दे रही है उसको दिखाएं, और किस तरह से यहाँ पर ये थोड़े से आगे आएं आप और बताएं कि जो यहाँ पर जो एक पात्र रखा हुआ है उसमें भभूति है, और यही वो भभूति है जिसको जिसका बहुत बड़ा महत्व है, और इस भभूति को प्राप्त करके लोगों के कष्ट निवारण हो जाते हैं, इस तरह का यहाँ पर दावा किया जाता है, और कुछ लोगों ने आपको हमारे सामने यहाँ पर प्रमाण भी दिए हैं, तो ये सब यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर आप देख सकते हैं। ये एक स्थान है और बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, लोगों की आस्था है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और इस तरह से यहाँ पर जो उनका जो मनोकामना होती है वो बाबा के सामने प्रकट करते हैं और यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह अद्भुत स्थान हमने आपको इस बार दिखाया है, और भी यहाँ पर कुछ स्थान हैं, यहाँ पर बाल हनुमान जी का मंदिर भी है मेरे पीछे, वहाँ भी मैं आपको दर्शन कराऊँगा,
ये कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह से नियमित रूप से यहाँ पर ग्रामीण आते हैं, कुछ ये यहाँ के सेवादार हैं, कुछ यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। कुल मिलाकर ये है कि ये एक ऐसी जगह है जो कभी गुमनाम हुआ करती थी, एक इसका पुराना अपना इतिहास रहा है और अब इस पूरे स्थान पर लोगों का आना जाना हो गया है, काफ़ी लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। फिर कल की उस ये एक और स्थान है, यहाँ पर ये गुरु महाराज की बाबा जी की समाधि है और ये समाधि पर यहाँ पर नियमित रूप से सेवा होती रहती है। तो एक सेवादार हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सेन है। हाँ बताइए सेन साहब, क्या स्थिति है, क्या महत्व है यहाँ का? यहाँ से करीब मैं 14-15 साल से तो मैं जुड़ा हूँ इस आश्रम। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं। गुरु महाराज श्री कृष्णगिरी जी महाराज पागल बाबा के नाम से जाने जाते थे जी। ये मूर्ति है जी, ये अगली संक्रांति पे देहांत हो गया इनका, शरीर छोड़ दिया। हाँ, हाँ। तो उनकी असीम कृपा से जहाँ बहुत बहुत शुभ कार्य ही होते हैं जी। कोई सांप वगैरह काट ले किसी को हाँ। तो उनके होते हुए में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई अच्छा नुकसान पाया। करीब 14-15 साल से मैंने यहाँ पे तीन साल तो मैं यहाँ पे रात मेरा साथी रहते हैं। हाँ, दोनों यादव साहब आप भी आइए, आप इधर आ जाइए और आप भी बताइए क्या जानते हैं। हमी साहब यहाँ पे यहाँ से आज 14-15 साल से हम भी उठ रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पहले आते जाते रहते हैं जी, बैठ उठते रहते हैं, जो भी सेवा बनती है सेवा करते हैं। हाँ, सब हमारे गुरु महाराज की कृपा से सब कार्य हुआ है साहब। यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, पांडाल बना हुआ है कथा का, वो धर्मशाला बनी हुई है, उधर रूम बन रहे हैं, वो रहने के लिए व्यवस्था है सब सारी, सब गुरु महाराज की कृपा और ठाकुर बाबा की देन है साहब। यहाँ पे कोई सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कोई जैसे कैंसर वाला पेशेंट है हाँ। जैसे कोई अटैक वाला पेशेंट है हाँ। तो सब उन्हीं की दुआ से सब कार्य हो जाते हैं और अच्छा हो जाता है आदमी यहाँ साहब। अच्छा, यानी हाँ, मतलब हाँ, इनका ध्यान कर लो। हाँ, ध्यान कर लो गुरु महाराज का और ठाकुर बाबा का नाम वहाँ पर बिल्कुल फायदा हो जाता है, ये कहने का मतलब है आपका। बहुत अच्छा है, आप भी काफी समय से यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं ना, आपने अपना अनुभव, आपका क्या नाम है, आप आइए। हाँ बताइए आपका अनुभव बताइए आप। सर बढ़िया है, गुरु महाराज की कृपा से हम उनके चेला हैं, 15-16 साल से हैं सर। हाँ, और बढ़िया, सब भक्त आते हैं, सबका कार्य पूर्ण होता है, कोई भी श्रद्धा लेके आए सर। और विशेषक मतलब है ना, जैसे जो कोई पुराने केस होते हैं वगैरह हाँ, आदमी के कहना है ड्यूटी लग जाए, किसी का भी केस मर्डर का, कोई ऑनलाइन कहीं का भी केस लग जाए सर, यहाँ पे अगर वो हाथ जोड़ कर उनका पूरा काम हो गया तो सर जल्दी से जल्दी ले आ गया। ये एक और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुनने को मिली है ना, अभी आपने दुख बीमारियों की बात वहाँ पर सुनी थी, पर ये भी एक नई बात यहाँ पे सुनने को मिली है कि अगर इस तरह की कोई मुसीबत में फंसता है तो उसको भी सफलता हासिल हो जाती है। हाँ सर, पास में हनुमान जी का मंदिर है, और बहुत है जी हनुमान जी। ठीक है, अपन वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ की विशेषताएं वहीं पर जानेंगे, है ना।